नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हंसी मजाक में अक्सर कहा जाता है, नेता हो या अभिनेता, सभी महिलाओं से डरते हैं। घर परिवार के लिए भी ऐसी कहावतें आम हैं, लेकिन राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों में एक ये भी है कि उसने पिछले साल लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े महिला आरक्षण बिल को संसद में पास कराया, महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो देश की सबसे बड़ी पार्टी 33% तो क्या उसके आधे तक भी नहीं पहुँच पाई है। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में यूपी से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा है। इन 4 सांसदों में से 3 महिला सांसद हैं जिनका टिकट कटा है। बीजेपी ने चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काट दिया है। इन तीनों महिलाओं ने संसद में महिलाओं की आवाज कई बार बुलंद की है, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया है। पार्टी टिकट काटने का कारण तो बताती नहीं, कहा यही जाता है कि जिताओ उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। चर्चा बीजेपी की लिस्ट से शुरू हुई है तो आपको बता दें कि बीजेपी महिलाओं को मौका देने में दूसरी पार्टियों से आगे चल रही है, लेकिन अब भी 33% के लक्ष्य से काफी दूर है। बीजेपी की ओर से अब तक उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 33% तो क्या उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई है। 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी ने अब तक अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो घोषित उम्मीदवारों के हिसाब से 16% के ही करीब महिला उम्मीदवारों की संख्या है। बीजेपी की ओर से अब तक 427 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें 67 महिला उम्मीदवार हैं। ये संख्या 2009, 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा है। साथ ही अभी और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है। राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में जीत हार का बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन ये तय बात है कि जब इनको अपने सियासी समीकरण साधने होते हैं तो सबसे पहले महिलाओं का ही टिकट काटा जाता है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट को ही देख लीजिए। जिन 3 मौजूदा महिला सांसदों का टिकट काटा गया है उनमें सबसे प्रमुख है रीता बहुगुणा जोशी। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह बीजेपी के दिग्गज स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज की बगल वाली सीट फूलपुर से भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है। फूलपुर सीट से इस बार केसरी देवी पटेल की जगह पार्टी ने प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं चंडीगढ़ से बीजेपी ने इस बार किरण खेर की जगह संजय टंडन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। किरण खेर पहली बार 2014 में चंडीगढ़ से सांसद बनी थी। उन्होंने 2019 में चंडीगढ़ से फिर से जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अब तक 67 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। जिन महिलाओं का टिकट कटा है वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव रही हैं। बीजेपी में कम लेकिन दूसरे सियासी दलों में अंदर खाने में ये चर्चा चलती रहती है कि राजनीति में दमखम दिखाने वाली महिलाओं का टिकट क्यों कट जाता है, जबकि सेलिब्रिटी स्टेटस वाली महिलाओं को बार बार मौका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस बार मथुरा से हेमा मालिनी को फिर बीजेपी से टिकट मिला है, जबकि नई नवेली कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाया गया है। स्मृति ईरानी अमेठी सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी में महिला राजनेताओं में मेनका गांधी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी में महिलाओं को जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा है। 2014 से 2024 तक बीजेपी ने महिलाओं के टिकट में 4% की बढ़ोतरी की है। अब तक घोषित उम्मीदवारों के हिसाब से प्रतिशत देखें तो ये 16% के करीब है। हालांकि 33% आरक्षण का कानून पास है और अगले चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ जाएगी, लेकिन इस बार अभी इस नंबर से सभी पार्टियां काफी पीछे हैं। उत्तर भारत की राजनीति में महिला फैक्टर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हालत ये है कि बीजेपी ने बिहार की 17 सीटों में से एक पर भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर सहयोगी जेडीयू,
5 पर सहयोगी एलजेपी और एक एक सीट पर जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में तो महिला उम्मीदवारों का इससे बुरा हाल है। महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष की कई पार्टियां इसलिए कर रही थी कि उन्हें डर लग रहा था कि ज्यादा महिलाएं संसद में आ जाएंगी तो पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ महिलाओं के नाम पर परिवारवाद हावी दिखता है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, तो मुरादाबाद से पार्टी ने रुचि वीरा और गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस में महिलाओं का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बिहार में लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से मैदान में उतार दिया है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में है। महिला आरक्षण बिल के हिसाब से सीटों का बंटवारा अगले यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा, तब राजनीतिक दलों को न चाहते हुए भी महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा। वैसे देश के संसदीय इतिहास में देखें तो इस मामले में सतत प्रगति हुई है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके मुताबिक 1957 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 45 महिलाएं चुनाव लड़ी थीं। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 726 हो गया। 1957 में संसद में जीत कर आने वाली महिलाओं का परसेंटेज 4.5% था, जो 2019 में बढ़कर 14.4% हो गया। महिलाएं घर चलाएं या देश, हमेशा पुरुषों के मुकाबले अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये हम नहीं, दुनिया की कई संस्थाओं के आंकड़े इस बात पर मुहर लगाते हैं। हमारे देश में तो कहा जाता है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। अब तो संसद भी महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा चुकी है, तो अब इस बार का चुनाव हो जाने दीजिए। 2029 के बाद संसद में महिलाओं की एक तिहाई हाजिरी पक्की है। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।